गुड इवनिंग दोस्तों कैसे हो आप सब बहुत सोशा अच्छे की आज के अखबारों के सार सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है और आज हम देखेंगे आज के अखबार कौन कौन सी न्यूज हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं प्रश्न उत्तर के फोरम में हम डिस्कस करेंगे इसके अलावा टॉपिक ऑफ द डे सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे नेहरू लियाकत समझौता नेहरू लियाकत समझौता कब साइन किया गया इस समझौते को कौन से नाम से जाना जाता है इस समझौते की मुख्य शर्तें क्या क्या थी तो लाइट्स इस लेक्चर सीरीज़ की शुरुआत करने से पहले यदि लेक्चर पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लेक्चर को लाइक करें पहला जो क्वेश्चन है जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें बन सकता है वो क्या है नेहरू लिया का तले समझौता किस नाम से जाना जाता है नेहरू लिया का तली समझौता किस नाम से जाना जाता है पहला ऑप्शन हो सकता है लाहौर पैक्ट दूसरा दिल्ली पैक्ट तीसरा लखनऊ पैक्ट चौथा कराची पैक्ट तो कौन सा आंसर करेक्ट है इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है नेहरू लियाकत समझौते को कौन से पक्ष के नाम से जाना जाता है तिल्ली पक्ष या दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है 1950 में दिल्ली में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसे नेहरू लियाकत समझौता या दिल्ली समझौता कहते हैं दिल्ली समझौताओं के मध्य दिल्ली समझौता के लिए दोनों पक्षों के मध्य छः दिन तक बातचीत चली और आठ अप्रैल उन्नीस को आठ अप्रैल उन्नीस सौ पचास को ये समझौता साइन किया गया इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना गया दोनों देशों के अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए तथा दोनों देशों के बीच युद्ध को टालने के लिए इस समझौते को किया गया था अब उस टाइम में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी अल्पसंख्यकों की प्रॉब्लम अल्पसंख्यकों की क्या प्रॉब्लम थी अल्पसंख्यकों की प्रॉब्लम थी कि पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यक थे हिंदू जैन और भारत के अंदर अल्पसंख्यक थे मुस्लिम तो भारत के अंदर अल्पसंख्यकों के साथ शोषण हो रहा था बलात्कार हत्या पाकिस्तान में सब ज़्यादा हो रहा था बलात्कार हत्याएँ लूटपाट चोरी अल्पसंख्यकों के साथ यानी हिंदू समुदाय के लिए तो हिंदू समुदाय पाकिस्तान से भारत आ रहा था और मुस्लिम समुदाय भारत से पाकिस्तान जा रहा था अब इससे काफ़ी हिंसक स्थिति बन बन गई थी तो इसको टालने के लिए दोनों देश के प्रधानमंत्रियों ने समझौता साइन किया जिसको नेहरू लियाकत समझौते के नाम से जाना गया इस समझौते की चर्चा क्यों कर रहे हैं क्योंकि भारत की संसद में आज अभी रिसेंटली अपडेट है कि राज्यसभा में भी जो कैब अधिनियम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल या कैब बिल सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास हो गया राज्यसभा में भी वोटिंग में ये बिल सक्सेस हो गया तो ये अधिनियम बनने के कगार पर पहुंच चुका है राष्ट्रपति की मंजूरी बाकी तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा में ये स्टेटमेंट दिया था कि लिया कत अली सब अली समझौता था वो एक बोल थी और उसी को सुधारने के लिए ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल या नागरिकता संशोधन अधिनियम लेकर के आई भारत सरकार इस पर इतना विवाद इसलिए है कि इसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का नाम नहीं है बाकी कम्युनिटी सबका नाम है और नियम्स कुछ सरल किए गए जैसे भारत में नागरिकता लेने के लिए पहले नियम थे कि ग्यारह साल तक भारत में निवास करना अनिवार्य उसको कम करके कितना कर दिया छः साल कर दिया गया अब इस नेहरू लियाकत समझौते की मुख्य शर्तें क्या थी नेहरू लियाकत समझौते की तीन मुख्य शर्तें थी पहली शर्त थी कि इस समझौते के तहत शरणार्थी अपनी संपत्ति का निपटान करने के लिए भारत या पाकिस्तान आ सकते यानी कि जो भी शरणार्थी हैं जो भी अल्पसंख्यक हैं वो अपनी संपत्ति का निपटान करने के लिए यानी कि संपत्ति का स्थानांतरण करने के लिए भारत आ सकते हैं या पाकिस्तान भी आ सकते हैं अगवा की गई महिला और लूटी गई संपत्ति को वापस किया जाएगा इसके अलावा जबरन धर्मांतरण की मान्यता नहीं दी जाएगी यानी किसी का जबरदस्ती हिंदू को मुसलमान या मुसलमान को हिंदू बनाया गया तो उसको मान्यता नहीं दी जाएगी दोनों देश अपने अपने देश में अल्पसंख्यक आयोग का गठन करेंगे ये इसकी प्रमुख शर्त थी इसके अलावा एक शर्त और थी कि विशिष्ट जैसे मिजोरम वगैरह त्रिपुरा इनके लिए विशिष्ट प्रावधान किए गए थे और ये भी प्रावधान किया गया था कि दोनों देश जैसे दोनों देशों को जो राज्य हैं जैसे पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल भी उस समय उन्नीस में तो पाकिस्तान का हिस्सा था जो अब बांग्लादेश बन गया दोनों राज्य अपने अपने कैबिनेट में एक अल्पसंख्यक समुदाय के मंत्री को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल करेंगे जिससे वो उनके हितों की रक्षा कर सके ये भी इस लियाकत अली खान समझौते के अंदर लियाकत नेहरू लियाकत समझौते का मुख्य सिफारिश थी अगली जो न्यूज है वो क्या है इसरो से संबंधित है तो उस न्यूज से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है गत 20 वर्षों में इसरो ने कितने देशों के सैटेलाइट लॉन्च किए यानी कि उन्नीस सौ निन्यानवे से 2019 के बीच में तैंतीस देशों के चौंतीस देशों के पचास देशों के साठ देशों के तो कितने देशों के सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च किए हैं तैंतीस देशों के सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च किए इसका डिटेल एनालसिस करते हैं क्यों चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इसरो ने ग्यारह दिसंबर यानी कि आज ही ट्री सैट टू बी आर वन ट्री सैट आर आई ट्री सैट टू बी आर वन सेटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया यह उपग्रह भारतीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए आज से बेहद है इस कारण से इसको भारत का खुफिया उपग्रह भी कहा जा रहा है भारत की निगरानी की ताकत अंतरिक्ष पर पहले से और अधिक बढ़ जाएगी आर ट्री सेट टू बी आर वन की वजह से इसरो तो ने बताया कि री टू वी आर वन मिशन की लाइफ पाँच साल है इसरो तो पी एस एल वी के जरिए कौन से लॉन्चिंग व्हीकल के जरिए छोड़ा गया इसको तो पी एस एल वी के जरिए दस सेटेलाइट एक साथ छोड़े गए हैं एक उसमें एक तो रिसेट टू बी आर वन था इसके अलावा इजराइल का एक सेटेलाइट इटली का एक सेटेलाइट जापान का एक सेटेलाइट और अमेरिका के छः सेटेलाइट इसमें शामिल थे अगर बात करें उन्नीस सौ निन्यानवे से दो हज़ार उन्नीस के बीच तो उन्नीस सौ निन्यानवे से दो हज़ार उन्नीस के बीच पिछले बीस वर्षों में इसरो ने देशों के तीन सौ उन्नीस उपग्रह छोड़े हैं देशों के तीन सौ उन्नीस उपग्रह अभी तक इसरो छोड़ चुका है पिछले बीस सालों में तो ये पूछा जा सकता है अगले जो न्यूज़ है वो क्या है कि भारत पहली बार अगले जो न्यूज़ है वो एक इंडेक्स है और उस इंडेक्स से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई पहली रैंकिंग नवीं रैंकिंग बीसवीं रैंकिंग पचासवीं रैंकिंग तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को पहली बार टॉप टेन रैंक में जब गया बनाई और कौन सी रैंक मिली है नवी रैंक मिली कौन सी रैंक मिली है नवी रैंक मिली तो इसका एनालिसिस करते हैं कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्या होता है तो भारत पहली बार 2019 के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक सी सी पी आई सी सीपीआई में शीर्ष दस देशों में शामिल हो गया कितने देशों में शामिल हुआ है? शीर्ष दस देशों में शामिल हो गया है भारत और भारत को इस सम इस इंडेक्स में कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है नवी रैंकिंग प्रदान की गई है यह भारत के कार्बन उत्सर्जन से उपरने हेतु किए गए प्रयासों का ही परिणाम है और दूसरी ओर अमेरिका इस रिपोर्ट के दो हज़ार उन्नीस का जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक का है उसकी दो खास बातें पहली बात तो भारत ने टॉप टेन में जगह बनाई और दूसरी अमेरिका सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में पहली बार शामिल हुआ तीसरे इस सूचकांक की खास बात और है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की कि ये पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा सूचकांक का है जिसमें प्रथम तीन रैंकों पर किसी भी देश को रखा नहीं जाता यानी कि प्रथम तीन एक दो तीन नंबर अभी तक किसी भी देश को इस सूचकांक के तहत नहीं मिली इस सूचकांक में अगर दो के सूचकांक बात करें तो चौथा स्थान मिला कि इसको स्वीडन को और पाँचवा स्थान मिला कि इसको डेनमार्क को और नवां स्थान पर कौन है हमारा भारत नौ है नौवें स्थान पर कौन है हमारा भारत ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है तो एक संगठन है जर्मन वाच जर्मन वाच जर्मन वाच संगठन के द्वारा क्लाइमेट चेंज पर परफॉर्मेंस इंडेक्स या क्लाइम जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है और उसमें ब्रिटेन सातवें स्थान पर भारत नवे स्थान पर उत्सर्ण में स्थान दिए गए चीन को कौन से रैंकिंग हासिल हुई है रैंक हासिल हुई है ये सूचकांक कितने मानकों के आधार पर जारी किया जाता है चौदह मानकों के आधार पर दिया जाता है और इसमें सभी देशों को चौदह चार श्रेणियों में बांटा गया कितने श्रेणियों में बांटे गए चार श्रेणियों में बांटा गया इसके अलावा अगर बात करें कि हमने पहले डिस्कस कर लिया कि हालांकि कोई भी देश अभी मानकों पर सौ प्रतिशत खरा नहीं उतर सका इसलिए इस इंडेक्स की यही सूचकांक के पहले तीन स्थान एक दो तीन रैंकिंग हमेशा अभी तक खाली रहती हैं रिपोर्ट के अनुसार नए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक से कोयले की खपत में कमी समेत तो उत्सर्जन में वैश्विक बदलाव के संकेत दिखाई देते हैं वैश्विक बदलाव के संकेत दिखाई देते हैं इसके अलावा जो अगले न्यूज़ से जो क्वेश्चन है वो क्या बन सकता है दक्षिण एशियाई खेलों की शुरुआत कब से हुई उन्नीस सौ तिरासी उन्नीस सौ पचासी उन्नीस सौ सतासी उन्नीस सौ नब्बे हाल ही में दक्षिण एशियाई खेल का तेरहवा संस्करण संपन्न हुआ है उसमें भारत का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो दक्षिण एशियाई खेलों की शुरुआत उन्नीस सौ तिरासी से हुई थी और ये हर दो साल में यानी कि एक द्विवार्षिक खेल प्रतिस्पर्धा है हर दो साल में इसका आयोजन किया जाता है तेरहवें एशियाई खेल नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित की गई और इस तेरहवें दक्षिण एशियाई खेल में भारत पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा तीन बारा पदक जीतने के साथ तीन बारा पदक में भारत ने एक सौ स्वर्ण पदक तिरानवे पदक और चौवालीस कांस्य पदक हासिल किए इस सूची में या इस तालिका में नेपाल दो पदक जीतकर दूसरे स्थान पर और श्रीलंका दो सौ इक्यावन सॉरी श्रीलंका नेपाल तीन सौ छः पदक कर दूसरे स्थान पर श्रीलंका दो सौ इक्यावन पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा भारत ने गुवाहाटी और शिलांग में आयोजित दो हज़ार सोलह दो हज़ार सोलह में जो दक्षिण एशियाई खेल का आयोजन हुआ था वो कहाँ पर आयोजन हुआ था भारत में आयोजित हुए थे असम और शिलोंग असम की राजधानी गुवाहाटी और शिलोंग में आयोजित किए गए थे 2019 में सॉरी 2016 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे 309 पदक जीते थे अब के बार कितने पदक जीते 312 पदक जीते लेकिन 2016 में कुल 309 पदकों में भारत ने एक स्वर्ण पदक जीते थे इस बार जो स्वर्ण पदक जीते 2019 में उसकी तुलना में 16 स्वर्ण पदक ज़्यादा हासिल किए थे तो ये हमें कुछ फर्स ध्यान रखने हैं कि दक्षिण एशिया गेमों की शुरुआत कब उन्नीस सौ हुई थी और भारत ने सर्वाधिक पदक कब जीते हैं अभी इस साल देखते हैं लेकिन सर्वाधिक स्वर्ण पदक कब जीते 2016 में जब दक्षिण एशियाई गेम्स भारत में आयोजित किए गए थे तब भारत ने कुल एक स्वर्ण पदक हासिल किए थे इसके अलावा अगले जो न्यूज़ से क्वेश्चन पूछा जा सकता हो क्या है जग्गा मिशन कौन से राज्य से संबंधित है जिसे साल 2019 हज़ार का वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार दिए गए जग्गा मिशन उड़ीसा हरियाणा पश्चिम बंगाल आसाम तो ये उड़ीसा सरकार की एक योजना है इसका एनालिस करते हैं वर्ल्ड हैबिटेड अवार्ड्स की स्थापना वर्ष उन्नीस में बिल्डिंग एंड सोशल हाउसिंग फाउंडेशन द्वारा की गई थी ये पुरस्कार वर्ल्ड हैबिटेड यू के इंग्लैंड में स्थित एक संगठन द्वारा व यू एन हैबिटेड यू एन का यू एन हैबिटेड संगठन वर्ल्ड हैबिटेड के के द्वारा मिलकर के प्रदान किया जाता है ये दुनिया भर में से अभिनव उत्कृष्ट और क्रांतिकारी आवासीय विचारों परियोजनाओं कार्यक्रमों की पहचान स्वरूप प्रदान किया जाता है उड़ीसा सरकार के महत्वाकांक्षी पहल जग्गा मिशन के लिए के लिए विश्व पर्यावरण पुरस्कार जीता है जिसके तहत जग्गा मिशन के तहत जोगी झोपड़े में रहने वाले बावन हज़ार छः सौ बयासी शहरी ग्रामीण परिवार को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किया यानी जग्गा मिशन के तहत जो जोगी झोपड़े में रहते थे उनको मोटिवेट किया गया और उनको गरीबी से के जाल से बाहर निकालने के लिए भूमि अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किए गए कौन से राज्य ने उड़ीसा सरकार ने और इसके लिए उनको वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड दिया गया वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी उन्नीस सौ पिचासी में उसकी किसके द्वारा बिल्डिंग एंड सोशल हाउसिंग फाउंडेशन के द्वारा और ये पुरस्कार किस वर्ल्ड हैबिटेट के, के द्वारा दिया जाता है जो कहाँ पर स्थित है यूके में स्थित है दैट इज अवर टू डेज लेक्चर इट थैंक यू थैंक यू सो मच गुड नाइट